नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं राजनीति की खास खबर। राहुल कहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, मुझे खुशी होगी। प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर एक बार फिर कयास तेज हो गए हैं। इसको हवा खुद प्रियंका गांधी ने दी है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी कहेंगे तो वह वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वह इस बार भी यहां से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु मंदिर में सिक्के बांटने के दौरान मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत। तिरुचिरापल्ली से करीब 45 किलोमीटर दूर थुरायूर के पास एक मंदिर में रविवार को एक समारोह के दौरान भगदड़ होने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मुथियम पलायम गांव के एक मंदिर में वार्षिक समारोह में सैकड़ों श्रद्धालु एकमात्र हुए थे। इस समारोह के दौरान सिक्कों का वितरण होना था। पुलिस के अनुसार जब पुजारी ने सिक्कों का वितरण शुरू किया तो सिक्के लेने के लिए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई। 4 महिलाओं सहित 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेघालय की खदान में फंसे 9 खनियों के परिजन तलाशी अभियान रोकने पर सहमत। शिलांग 21 अप्रैल मेघालय में दिसंबर से ही अवैध कोयला खदान में फंसे 16 खनिकों में से 9 खनिकों के परिजनों ने तलाशी अभियान को रोकने की सहमति जिला प्रशासन को दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रविवार तलाश अभियान के 130 दिन पूरे हो गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषण से कहा, हमें परिजनों से तलाशी अभियान रोकने की सहमति का पत्र मिल गया। परिजनों द्वारा सौंपे गए पत्र आवश्यक मंजूरियों के लिए राज्य सरकार को भेजे जाएंगे, उच्चतम न्यायालय को भी सौंप दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि सहमति देने वाले में पूर्व जयंतिया हिल्स के सुलतारी गांव के 2 खनिकों के परिवार तथा शेष असम के अन्य हिस्सों में खनिकों के परिवार हैं। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।